आज अक्षय तृतीया है। हिंदू सनों के मुताबिक आज का मुहूर्त सबसे बड़ा मुहूर्त माना जाता है। गुड़ी पाड़वा मतलब हिंदू नया साल। इसके बाद सबसे पावन मुहूर्त अक्षय तृतीया को माना जाता है। इसी पर्व में आम हिंदुस्तानी ग्राहक बड़े पैमाने पर सोने की खरीदारी करते हैं। त्योहारों का सीजन होने की वजह से आज के दिन ही सोने की खरीदारी करके शादी की तैयारियों की भी शुरुआत हो गई है। मई का महीना चल रहा है, यानी शादियों की बुकिंग काफी जोरों पर है और ऐसे में सोना खरीदना तो बनता है। बहुत बढ़िया खरीदी करें शादी का, क्या तो आज कम से कम 3-4 लाख का तो हो ही जाएगा। शादी का अगर आप खरीदी करें तो बाजार से बातें सोने का दाम बढ़ चुका है, डिजाइन भी अलग अलग हुए, तो कुछ प्लानिंग किया हुआ है कि जो वो दिखाएंगे आप ले लेंगे? नहीं, प्लानिंग ऐसा किया है, भरत भाई ने हमको बोल दिया है अगर सोने का भाव अभी डाउन है तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे आके 1 लाख का चेक देके बुक करवा दो, फिर बाद में आपको उसका तसली। इतना विश्वास से हमारा चल रहा है भरत भाई के साथ। कोई अलग देखिए शादी का मुहूर्त तो कोई अलग डिजाइन जो आप गिफ्ट करना चाहेंगे? श्योर, उसके लिए तो आज तो इन लोग भी बोले दुकान कि आज बहुत हमारे पास डिजाइन है, हम लोग आज आके देख के लिए। ओके, इसी के चलते मेट्रो मुंबई की टीम ने कुछ ग्राहकों से बात की है। इसी तरह कई परिवार भी आज ही के दिन अपने बच्चों के लिए और बीवियों के लिए सोना जरूर खरीदते हैं। देखिए सर, मेरी बेटी है, हम लोग ने इसके लिए सोने का थोड़ा सा ज्वेलरी लिया है। आज बहुत ही शुभ मुहूर्त होता है आज के दिन सोना खरीदना, तो उसी चीज़ के लिए हमने खरीदा सर। तो देखिए सोने का इन्वेस्टमेंट करने के बाद थोड़ा टेंशन आता है कि ज़्यादा पैसा क्या कि खुशी होती है? नहीं, खुशी होती है। सोना ही हम भारतीयों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट गहना होता है। आगे जाके भी फ्यूचर में भी अगर आप सोने का भी भाव देखें तो हमेशा बढ़ते ही रहता है, वो तो वो हिसाब से भी हम लेते हैं और बेटियों के लिए भी फ्यूचर में उनके शादी के लिए वगैरह बहुत काम आता है, तो इसीलिए। और आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है, तो आज का दिन ये हमने हमारी बेटी के लिए ली है, उसी बहाने हमारे वाइफ ने भी एक कान की बाली खरीद ली है। तो आखिर में बात करें तो आज के दिन का महत्व और तैयारी के लिए सोने की दुकान मालिक भी ज्यादा उत्साहित थे। लगभग 2 सालों बाद ग्राहक खुलेआम अक्षय तृतीया के लिए शॉपिंग कर सके। साथ ही सोने की इन्वेस्टमेंट क्यों जरूरी है, इस बात में भी ज्वेलरी के मालिक ने मेट्रो मुंबई की टीम को जानकारी दी। आज अक्षय तृतीया बहुत बड़ा दिन है। आज ये एक शोभन योग जिसको बोलते हैं वो बोला जाता है, और सोना चांदी हीरा मोती या जगह जमीन हो वो खरीदने के लिए बहुत ही अच्छा योग है। इसको रोहिणी नक्षत्र योग भी कहा जाता है। अक्षय तृतीया, अक्षय का मतलब वो है जिसका नाश न हो, उसको अक्षय कहा जाता है। और आज का दिन इसलिए इतना शुभ गिना गया है कि आज के दिन जो सोना खरीदता है या समझो चांदी खरीदता है या हीरा मोती घर में, तो उसके घर में लक्ष्मी का वास होता है। इस वजह से लोग सोने के लिए खरीदारी करते हैं। आज मुहूर्त 10:15 से 10:30 बजे का था, लोग आना स्टार्ट हो गए। आप कुछ समय के बाद देखिए मेरी दुकान पूरी पैक दिखेगी। अभी मार्केट जिस दिन से ये मार्केट पूरा खुल चुका है उस दिन से पब्लिक आने लगी है और पब्लिक सोना खरीद रही है, और वो खरीद इस रही है कि आगे शादी ब्याह पूरा आने वाला है और हर घर में बेटी बेटा या आगे के त्यौहार अटेंड या उसको सेलिब्रेट करने के लिए सोने के बिना आप सेलिब्रेशन नहीं कर सकते, इसलिए सोना इज द मस्ट और वो परचेस करते हैं लोग। मेट्रो मुंबई के लिए सुरेंद्र जोटिंगे की रिपोर्ट।